अनंत सिंह के करीबी कार्तिक मास्टर बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। अलग अलग कयासों के बाद जिस प्रकार से आरजेडी यह कहा करती थी कि ए टू जेड की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उस बात को लेकर अभी तक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सभी जाति वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार में महागठबंधन की सरकार पिछले सप्ताह ही बन गई थी और मंत्रिमंडल का शपथ होना था। 31 मंत्रालयों का शपथ हुआ है, उसमें हम सभी जानते हैं कि दबदबा आरजेडी का है क्योंकि विधायक उनका ज़्यादा है और यह बातें भी नीतीश बाबू अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पर मनमानी भी आरजेडी की मंत्रालय में खूब हुई, तभी 16 मंत्रालय आरजेडी ने अपनी बनवाई और 11 मंत्री बने जदयू से, 2 कांग्रेस ने बनाई और 1 निर्दलीय और 1 जीतन राम मांझी की पार्टी के भी बने। वहीं वामपंथी लेफ्ट पार्टियों ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिए, मगर सरकार को समर्थन देने से हमेशा समर्थन में रहने की बात कही है, इससे इनकार नहीं किए हैं। तो ये बातें अभी बिहार की सियासत में चल ही रही थी। यह भी कयास थी कि क्या भूमिहार जाति से जो 3 नाम चल रहे थे, इंजीनियर सौरभ का और एक और MLC का, उसके बाद फिर कार्तिक मास्टर का नाम आ रहा था, फिर नीलम देवी का नाम आ रहा था कि कहीं इलेक्शन कमीशन जब चुनाव तय करेगी तो मोकामा से फिर खड़ा करके उन्हें विधायक बना दिया जाएगा तो अभी मंत्री बन सकते हैं। यह एक मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह था उनके मंत्रालय के ऊपर, मगर इंजीनियर सौरभ और जो भी भूमिहार के MLC थे उन्हें दरकिनार करते हुए अनंत सिंह के करीबी और अनंत सिंह के कैंडिडेट जो पटना में MLC खड़ा हुए थे कार्तिक मास्टर, उन्हें मंत्री बनाते हुए नजर आए RJD के नेता और अब बिहार सरकार के वह मंत्री हैं कार्तिक मास्टर। अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से ललन सिंह और ऐसे तमाम नेताओं ने फंसाने की कोशिश की थी अनंत सिंह की, अब उनकी नहीं चली। यह बिहार की राजनीति में खूब चलता है कि उनकी रणनीति नहीं चली, इनकी रणनीति नहीं चली। उसी प्रकार से अभी खबर यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जो मंत्री बनने वाले थे मगर वह मंत्री नहीं बन पाए, उसके बाद फिर ललन सिंह की भी नहीं चली कि वह अपने कह सकते हैं कि 2019 में जो विपक्ष में खड़ा हुए थे अनंत सिंह उनके खिलाफ रणनीति और षड्यंत्र करने का आरोप लगातार अनंत सिंह समर्थक और RJD समर्थक और मोकामा के जो वहाँ पर अनंत सिंह के करीबी नेता थे वह लगातार लगा रहे थे। उसके बाद फिर कार्तिक मास्टर अब बिहार सरकार में मिनिस्टर बने हैं, यानी कि कहा यह जा रहा है सोशल साइटों पे कि अनंत सिंह जेल में रहें या जेल के बाहर, मगर उनका पहुँच पकड़ रसूख रुतबा और दबदबा यानी छोटे सरकार का वह कहीं नहीं रुकता है, यह देखने के लिए मिला बिहार सरकार में। RJD से न केवल कार्तिक मास्टर को अनंत सिंह के करीबी होने का फ़ायदा मिला और वहाँ पर उन्हीं के कैंडिडेट थे और MLC बने। RJD किन्हीं और को टिकट देना चाहती थी और किन्हीं और को लगभग, मगर यहाँ पर भी अनंत सिंह बाजी मारते हुए नजर आए और रीतलाल यादव किस प्रकार से विधायक MLA MP कोर्ट में मिले थे अनंत सिंह से, ये बातें भी खुलियाम है, वह वीडियो भी वायरल थी। मगर अब जिस प्रकार से अनंत सिंह ने जेल से ही बैठे बैठे कार्तिक मास्टर को मिनिस्टर बनाकर अपनी राजनीतिक दावेदारी को और पुख्ता की है, और यह भी पुख्ता की है कि हम जेल में भी रह करके सरकार के में हस्तक्षेप करके अपने लोगों को वहां पर खड़ा कर सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार से ललन सिंह की मात हुई है, जिस प्रकार से अनंत सिंह समर्थकों का दावा है कि लगातार जिस प्रकार से षड्यंत्र किया गया था नीतीश कुमार और उनके टीम के द्वारा अनंत सिंह के खिलाफ, मगर अब इसे कार्तिक मास्टर के मंत्रालय में शामिल होने के लेकर लगातार बधाई शुभकामनाएं और संदेश छोटे सरकार के करीबी दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यह ललन सिंह की हार है और अब नीतीश कुमार ललन सिंह को कह सकते हैं कि उतनी इस मामले को लेकर उतनी तवज्जो नहीं दिए हैं। मगर एक बात और है, उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बनने को लेकर शिक्षा मंत्री बनाने की बात थी, मगर जदयू ने अपने पुराने ही मंत्रालय जो BJP के साथ जो जितने भी मंत्री थे उन्हीं लोगों को कह सकते हैं कि मौका देने का समझा, क्योंकि पार्टी टूटने और भीतरघात होने की भी खबरें और बातें काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही थी, इसीलिए जदयू ने अपने पुराने चेहरों पर ही बातें आजमाई है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और भी 16 लोग RJD के मंत्री बने हैं, इस प्रकार कुल 31 लोग मंत्री बने हैं और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जोड़कर 33 लोग अब यहाँ पर बिहार में ये लोग लीड करेंगे। नीतीश कुमार इसके नेता हैं
और नेतृत्व करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि क्या ललन सिंह की चलती वहाँ पर नहीं चली, क्या अनंत सिंह के करीबी को मंत्री बनाना, कह सकते हैं कि अनंत सिंह यहाँ पर जीतते हुए नजर आए आरजेडी महागठबंधन और यहाँ के नीतीश कुमार की सरकार में। ऐसा भी हो सकता है कि ललन सिंह काफ़ी मंझे हुए नेता हैं, वह यह भी स्वीकार कर लिए कि 2024 की लड़ाई के लिए ऐसी कई कुर्बानियां देनी पड़ सकती है, ऐसी कई अड़ियल रूप से ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ललन सिंह और अनंत सिंह के सामंजस्य बन गया हो, साठगांठ हो गया हो कि नहीं वो ऐसी कुछ बातें नहीं थी, वह चुनाव का वक्त था तो ये वो करके भी अपनी भीतर खाने से बातें हो जाती है। मगर अभी ऐसा लग रहा है कि यह ललन सिंह की हार हुई है। एक और बातें थी कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाने को लेकर सबसे पहले लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा चल रहे थे, मगर चूक गए हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि बिहार से जुड़ी हुई तमाम सियासत की खबरें मैं लगातार ला रहा हूँ। आप जुड़े रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।